चेक करो यार, बेहतरीन बुफेलो। यानी एक कैमरे में छोटा लग रहा है, वैसे अच्छी खासी इसका वेट है और अच्छी खासी इसकी इज़ आर्म वेरी है। गुड इन टेस्ट, और टेस्ट बहुत अच्छा है, गाढ़ा भी है, और पेट भरने के लिए एक अच्छी चीज़ है। क्या आप इससे अपना पेट भी भर सकते हो, और गाढ़ा का गाढ़ा भी है। सो यार, फाइनली सीन ये है कि मैं साकिब को लेकर आ गया था यहाँ पे, और ईद की आमद रफ्त शुरू हो चुकी है। मुझे लेना था अरके मक्कू, इट्स कॉल्ड अरके मक्कू, पता नहीं किस चीज़ के लिए आता है। खैर, पप्पा ने मंगवाया था तो फिलहाल वो ले लिया है। साकिब इज़ हियर। औलाद बन गया आई अपना, कौन सा के पास? मुजफ्फर के पास से देखा, पता नहीं कौन सा नंबर भेजा हुआ उसने। तो फिलहाल हमारी मेमोरीज हैं साथ साथ ही है, दो दरिया भी है, बैठक भी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चेंज कुछ ऐसा है कि मॉर्निंग वगैरह हो चुकी है, और जस्ट अभी अभी मैं सोकर उठा हूँ। आज का मौसम थोड़ा सा गर्मी वाला है, ये कल बारिश वगैरह हुई थी तो कल का मौसम काफ़ी अच्छा था। तो जाहिर सी बात है कि आज का मौसम थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ होगा, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी आज के दिन। तो जैसा कि बताया गया है, कल गूगल करके देखा था मैंने, तो कल के मौसम बारिश वाला था और आज का मौसम बिल्कुल धूप वाला था। तो फिलहाल धूप वगैरह निकलेगी तो जाहिर सी बात है, जब भी पानी वगैरह सूखेगा। तो फिलहाल फटाफट निकलते, नाश्ता वगैरह कर चुके हैं, तबीयत थोड़ी सेट नहीं थी, तो फिलहाल जो है अब थोड़ी बहुत बेहतर है। तो अब निकलते हैं चौक पे फिलहाल, और वहाँ पहुँचते हैं, फिर आप लोगों को अपडेट करता हूँ क्या सीन है। नमाज वगैरह कभी जा रहे हैं, होगी ऐसी भी क्या बात होगी, हाल सेट हो रहे हैं फ्री फंड के तुम्हारे और किसके फायदे। क्या करना ये होता है इम्प्रेशन बनना, ना इम्प्रेशन अच्छा रहना चाहिए बस। फर्स्ट टाइम कौन सेट कर रहा है बंदा, सेट वेट भी चेंज करवा दो, यही कर लो फिलहाल। गली करते हैं वापस भाई, गेट बंद नहीं हुआ है अभी तक। फाइनली घर वगैरह आ चुके हैं, और अभी देखते हैं क्या सीन वगैरह है। अभी अभी जस्ट घर पे आया हूँ, फुल हालत डाउन हो रही है अभी तो। प्लस थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं, अभी लाइट वगैरह भी नहीं है। लाइट वगैरह आती है फिर जफ़ा वगैरह को मैसेज करते हैं, आज एक शूट करना था मैंने सोचा हुआ था, जिसकी वजह से आपके मैंने सामान वगैरह था वो ले लिया था। तो बता नहीं रहा मैं किस चीज़ का शूट है, अगर वो हुआ तो फिर बताऊंगा, और नहीं हुआ तो फिर नहीं बताऊंगा। अभी शूट तो खैर काफ़ी सारी हो चुकी हैं, एक रोस्टिंग वीडियो शूट हो चुकी है, कुछ वीडियो हैं जो शूट हो चुकी हैं, लेकिन यह है कि अभी भाई कीड़े बहुत हैं लोगों में एटीट्यूड वाले गाने चलाने के। तो फिलहाल यह है कि फटाफट से बस निकलते हैं, और निकलने से मतलब है नहीं घर में चलते हैं, और जो शूट होगा वो तुम लोगों को बता दूंगा। अभी तो फ़िलहाल घर चलते हैं, कोई ख़ास शूट है नहीं, तो जो भी होगा फिर बताता हूँ। बस सीन ये है कि फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि गर्मियाँ वगैरह इतनी है, खाने पीने का कुछ भी दिल वगैरह नहीं चाह रहा है बिल्कुल भी। तो खाने पीने से बेहतर है कि आपके मैंने सोचा कि उन्हें शेक बना लिया जाए, क्योंकि मैं अभी चाय बनाया जा रहा था, मैंने लगा शेक बना लूँ, क्योंकि अभी मेरा केक भी पड़ा हुआ है, एक छोटा सा ब्राउनी का पीस, और आइसक्रीम पड़ी हुई मेरी। तो मैंने बोला चलो इनको मिक्सअप करके कुछ शेक वगैरह बनाते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं नया कि क्या टेस्ट मिलता है। सो अभी जो है किचन से उठाते हैं जग, और थोड़ा सा इसमें पानी ले लेते हैं हल्का सा, और चीनी तो मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी डाल लेते हैं क्योंकि मीठा करने के लिए। वैसे तो आइसक्रीम और केक दोनों चीज़ें मीठी होती हैं, लेकिन फिर भी हम इसको मीठा करने के लिए। एक मिनट रुको यहीं पे, तुम रुक जाओ तो सही। तो फिलहाल चीनी वगैरह डालते हैं अभी, चीनी वगैरह डाल के अब चल के डालते हैं थोड़ा सा दूध, और ग्लास भी खंगाल लेंगे, इसी के ग्लास में निकाल लेंगे। तो ग्लास भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, तो फिलहाल इसको भी लेके चलते हैं रूम में, और सारी चीज़ें को उलट पलट करते हैं और सारी चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। फिलहाल इसको रखता हूँ भी नीचे, गिलास यहाँ आई है, दूध है, आइसक्रीम निकाल लूँ फ्रीज से, फ्रीजर में, और केक पड़ा है, केक पड़ा है फ्रीज में, छोटे छोटे से पीस है, मैंने थोड़ा सा शेक वेक बना के पी लिया जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ खाने का मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मैंने सोचा कि क्यों ना यार ऐसा कुछ सीन कर लिया जाए, तो ये है कि सेटअप शो हो जाएगा। भूख मारी इसलिए ताकि जो है
आराम से मलाई हट जाए। बस मेरे ख्याल में इतना दूध बहुत है, तो फिलहाल अभी सारी चीज़ें इसमें ऐड करता हूँ, फिर मिलता हूँ लोगों को। फिलहाल जो है अभी सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं और फटाफट इसको ग्राइंड वगैरह करते हैं। आज बर्फ़ नहीं पड़ेगी क्योंकि रमज़ान जब से ख़त्म हुआ है ना, जब से रूटीन आउट हो गई है, वरना घर में बर्फ़ वगैरह रखी हुई होती थी क्योंकि जूस वगैरह बनता रमज़ानों में ज़्यादा, तो इसी वजह से जो है बर्फ़ वगैरह रखी हुई होती थी। लेकिन जब से रमज़ान वगैरह गए तो ज़ाहिर सी बात है जूस वगैरह इतना बनता है नहीं, तो इस वजह से जो है बर्फ़ नहीं है। फिलहाल ठंडा हो जाएगा ये, इतना अभी जल्दी भी नहीं है। फटाफट मशीन वगैरह को निकालते हैं, इसको रखते हैं इस पर, मशीन को लगाते हैं इधर लग में, पूरा सेटअप हो गया। फिलहाल ये दोनों चीज़ें रेडी करता है। इट इज़ वेरी गुड इन टेस्ट, और टेस्ट में बहुत अच्छा है, गाढ़ा भी है और पेट भरने के लिए एक अच्छी चीज़ है। क्या आप इससे अपना पेट भी भर सकते हो और गाढ़ा का गाढ़ा भी है कि आप इंजॉय कर सकते हो एक अच्छी मील जिससे आपका पेट भी भर जाए और कोई ज़्यादा ख़र्चा भी ना हो। मैंने तो खैर घर की चीज़ों में करा है, वैसे अगर आप स्पेशली अगर बनाओगे तो जाहिर सी बात ख़र्चा आएगा और अच्छा खासा खर्चा आएगा अगर आप स्पेसिफिक सिर्फ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरा तो ये है कि घर में पड़े हुई नहीं चीज़ें, वरना पे भाई बाहर आप जाओगे ओरियो शेक लेने 700 रुपये का, 700-750 रुपये का, और वही चीज़ आप घर में बना लो भाई ज़्यादा बेहतर है। बाहर वाले में का मज़ा खैर अलग ही होता है, जो बात है मैं अगर अपने शेक को कंपेरिजन करूँ तो अपने शेक मेरा इतना अच्छा नहीं है जितना बाहर का मिल जाता है। लेकिन फिर भाई घर की बात घर की होती है, थोड़े बहुत बर्तन भी धो ही लूँ जो मैंने फैलाए हैं ख़ास तौर पर, वरना पहले एक ब्लॉग डाला था पापा से डांट पड़ी, फिर पार्ट टू डालना पड़ जाएगा। ये चीज़ें होती हैं बंदा छोटी मोटी बना के अपना एंजॉय करते रहो लाइफ को यार, यही ज़िंदगी है। उसके बाद जब बंदा बड़ा हो जाता है शादी वगैरह हो जाती है फिर कोई ज़िंदगी नहीं होती, फिर बस जो है एक एहसास और ख्याल होता है दूसरों का, यानी बीवी बच्चों का सब चीज़ों का, अपना बंदा केयर ख्याल वगैरह सब चीज़ें छोड़ी जाती, तो इसलिए जो है अब ब्लॉगिंग है मेरे को 1-1.5 साल हो गया, नहीं निकलते ब्लॉग्स आगे, नहीं जा रहे ब्लॉग्स आगे। मैंने कल अभी कुछ दिनों से मैं बड़ा डिप्रेशन में था, मैंने बोला था यार मैं छोड़ दूंगा सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, नहीं जा रहा नहीं हो रहा कुछ भी, लेकिन मैं यार ज़िंदगी तो वैसे भी चल रही है, अब जो इन्जॉयमेंट है वो तो होनी है ज़िंदगी में, क्योंकि यही ज़िंदगी का नाम है और यही ज़िंदगी का उसूल है कि जितनी ज़िंदगी है बस मस्ती में गुजारो, मस्ती मजाक में गुजारो दोस्तों यारों के साथ, क्योंकि शादी के बाद सब चीज़ें कम हो जाती हैं। दोस्तों में तो आप जाओगे लेकिन वो बात नहीं रहेगी, हर वक्त नहीं आ सकते। जैसे अभी मैं किसी को भी कॉल करूँ तो उसमें यार आ जाओ चलते हैं यहाँ, शादी के बाद आप नहीं कर सकते, तो यही लाइफ है, एंजॉय करो उसको और हम भी एंजॉय करें आप भी एंजॉय करो। बस पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, बाकी तो चल ही रही है ज़िंदगी, तो फ़िलहाल अभी देखते हैं क्या सीन होता है आगे जाके। और फिलहाल अभी जो है इसको ठंडा करने के लिए रखा है, जब तक ये ठंडा होगा जब तक आपका थोड़ा सा रेस्ट करता है, फिर थोड़ी देर में देखते हैं क्या सीन उसका करा। भाई फाइनली साकिब को पिक करने आ गए हैं और सीन्स ये हैं कि अभी जो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन सामने मैं तुम लोगों को दिखाऊं तो बकरा ईद के मैं अभी टाइम है, लेकिन लोग गाय वगैरह लाना शुरू कर दिए हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा एक बुल टाइप मेरे सामने एक जानवर खड़ा हुआ है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ गाइस। अल्लाह चेक करो यार बेहतरीन बुफैलो, यानी एक कैमरे में छोटा लग रहा है वैसे अच्छी खासी इसका वेट है और अच्छी खासी इसकी हाइट है, और बराबर में ही है इसका क्यूट सा बच्चा जो कि ब्यूटीफुल एक मनाजिर। अभी है जिनके घर के बाहर बंदा हुआ उन्हीं का ही होगा, क्या पता पाला है क्या है, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जानवर है यार, बहुत आउट क्लास आउट स्टैंडिंग जानवर है। और जब ईद के सीज़न आता है ना तो आपके भाई का एक ही लव है वो एक गाय, तो अल्लाह पाक तौफीक जब देगा तो इंशाल्लाह जब भी कुर्बानी करूँगा यार अपने पसंदीदा जानवर की करूँगा और पाल के करूँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो यार फाइनली सीन ये है, मैं साकिब को लेकर आ गया था यहाँ पे और ईद की आमद रफ्त शुरू हो चुकी है। मुझे लेना था अरके मक्कू, इट्स कॉल्ड अरके मक्कू, पता नहीं किस चीज़ के लिए आता है, खैर पप्पा ने मंगवाया था तो फिलहाल वो ले लिया है। साकिब इज़ हियर, कौन सा
मुजफ्फर के पास से देखा, पता नहीं कौन सा नंबर भेजा हुआ उसने। तो फिलहाल हमारी मेमोरी है साथ साथ ही है, दो दरिया भी है, बैठक भी है। उसकी जो एडिटिंग करता है ना हमारी तस्वीरों की, यानी जो एक प्रॉपर जो एडिटिंग होती है वो साकिब करता है, बाकी इस टाइप के कोलाज वगैरह जो बनाता है वो बनाता है उजैफा। यानी हमारी पुरानी यादें जितनी भी तस्वीरें हैं मेरे पास इतनी नहीं है जितनी उजैफा के पास हैं, उजैफा के पास उसके पास हैं, बहुत पुरानी पुरानी तस्वीरें। इसमें काफ़ी पुरानी तस्वीरें वाली बैठक वाली समझिए, उन दिनों वाली तस्वीरें जो हम लोग वहाँ गए थे, इसके शुरू किए हैं। हाँ काफ़ी पुरानी, मीन सेट चाय नहीं आई अभी तक, 6 बजे जाना है मुझे। चाय वगैरह पीते हैं, देखते हैं बाकी सीन। चाय वगैरह आ गई और चाय के साथ जॉब पे जाने का टाइम हो चुका है, सो फटाफट से पीते हैं चाय। और पीछे का ब्लर देख रहे हो कैसा पी आ रहा था, और आईफोन से कप को फोकस करके पीछे का बिल्कुल ब्लर, तो इससे कहते हैं कैमरा क्वालिटी। किसी की उंगली गया किसी की चेहरा भी ना है। अबे बाबे ब्लर चल रहा है, बोलते रहूँ आईफोन ले है। तो फिलहाल यार कोई वो नहीं है, मजाक हंसी मजाक नहीं है, एक फ्लैक्स नहीं कह रहे इसको, एक हंसी मजाक है। फिलहाल यहाँ पे करते हैं ब्लॉग का एंड, अल्लाह हाफिज़।